नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज के मुख्य खबरों का। पुलिस कर्मियों के मुद्दे पर डेढ़ साल पहले शुरू हुए पुलिस महा आंदोलन के प्रणेता नरेंद्र सिंह परमार ने आज निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और वो आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ये जानकारी उन्होंने जनता के सांसद बनने के साथ दी। उन्होंने आज अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद वे खुद नहीं बल्कि साबरकांठा जिले की जनता होगी। साथ ही वो जीतने के बाद सांसद के तौर पर वेतन भी नहीं लेंगे। साबरकांठा लोकसभा ने आज घोषणा की और कहा कि वो इस वेतन राशि का उपयोग जनहित के कार्यों में करेंगे। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह परमार की मां के नाम पर बने जसीबा सेवा ट्रस्ट ने पूरे गुजरात में जनसेवा के क्षेत्र में अनूठी मिसाल कायम की है। तब परोपकारी व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र सिंह परमार ने लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। चुनाव आज और साबरकांठा जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।